शहनाज गिल पर इल्जाम लगाने वाले जरूर सुने, शहनाज गिल के हेटर्स जरूर देखें ये वीडियो। वो लोग जो अभी ये कह रहे हैं कि शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल किया, उन सभी लोगों को आज हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को जो ट्रिब्यूट दिया है उसमें शहनाज ने कलर्स चैनल और एंडमॉल से बात करके क्लिप्स यूज की थी। ये तो आप जानते ही हैं कि एंडमॉल का इस गाने में बड़ा प्रॉफिट है। जी हाँ, इस गाने में एक बड़ा हिस्सा एंडमॉल का है, जो प्रॉफिट्स वो ले रहे हैं, इसी वजह से एंडमॉल इस गाने को प्रमोट भी करवा रहे हैं। अब अगर शहनाज चाहती तो वाकई सिद्धार्थ का नाम यूज करके इस गाने से कमाई कर सकती थी। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक साथ रहते थे, ये तो हम सब जानते हैं। वहीं शहनाज के पास उनकी और सिड की कुछ वीडियोस और फोटोज भी होंगी, जैसे शहनाज का जन्मदिन या सिद्धार्थ का जन्मदिन। शहनाज चाहती तो वो वीडियो यूज कर सकती थी। अगर शहनाज ऐसा करती तो उन्हें प्रॉफिट का शेयर भी किसी को देना नहीं पड़ता। तब कहा जा सकता था कि शहनाज ने सिद्धार्थ का इस्तेमाल किया है, लेकिन शहनाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिद्धार्थ शुक्ला की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहती थी। सिद्धार्थ शुक्ला एक प्राइवेट इंसान थे। बिग बॉस तो हर किसी ने देखा है, ये वीडियोस भी काफी लोगों के पास होंगे, इसलिए शहनाज ने इन वीडियो को यूज किया, ना कि पर्सनल फोटोज और वीडियोस को। अगर शहनाज का इरादा सिद्धार्थ को इस्तेमाल करने का होता तो शहनाज पर्सनल फोटोज या वीडियो गाने में यूज करती, लेकिन शहनाज ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें अब भी सिद्धार्थ की परवाह है और उनके उसूलों का ख्याल है। वो सिद्ध से बहुत प्यार करती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिब्यूट को ट्रिब्यूट की तरह ही देखिए, और अगर कुछ हेटर्स नहीं समझते हैं तो फिर हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। वेल, आपकी क्या राय है कि शहनाज के हेटर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।